गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा वार्तालाप नीति। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको वार्तालाप नीति के बारे में बताया था, लेकिन ये वार्तालाप नीति थोड़ी बड़ी है, इसीलिए मैंने इसे आपको आसानी से समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा है। बच्चों, हम जब जिस चीज के बारे में जानते हैं, आपके जो टॉपिक है रिट, उसमें अगर आपके पाठ्यचर्या से संबंधित आपके टॉपिक आ रहे हैं, तो उससे पहले हमें पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साथ में ये आपकी विषय का भी भाग है, इसीलिए मैं आपको जो टॉपिक क्लियर कर रही हूँ, वो टॉपिक मैं आपको स्टार्ट से कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के अर्थ, इनके प्रकार, इन दोनों में अंतर, इन सब विधियों के बारे में बताया, इनके उपागम, इनके मूल्यांकन के स्रोत, और अब जो मैं बता रही थी वो मैं बता रही थी कि हम जो पाठ्यक्रम में हमारी जो नीतियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उन्हीं नीतियों का मैं वर्णन कर रही थी। पहले मैंने इसे दो भागों में इनका विभाजन किया था कि जो हमारी नीति है वो दो है। जैसे प्रथम थी हमारी पूछताछ प्रशिक्षण नीति, सेकंड थी हमारी वार्तालाप नीति। वार्तालाप नीति में मैंने आपको वार्तालाप नीति के प्रकार बताए थे, जिनमें से मैंने आपको फर्स्ट पढ़ाया था वज वार्तालाप, सेकंड था हमारा संरचनात्मक वार्तालाप, और थर्ड था हमारा सार्थक वार्तालाप। सार्थक यानी सामान्य, जिसके लिए हमारा कोई सार्थक अर्थ निकलता है, जो हमारी हम बातचीत करते हैं उसमें हम इसे सामान्य वार्तालाप कहते हैं। ये हमारी सामान्य वार्तालाप से संबंधित है। आज मैं सबसे पहले आपको सार्थक वार्तालाप के बारे में, यानी कि इसके अंदर कौन सी विशेषताएं होती है, ये मैंने आपको मतलब इसका समझाया था कि सार्थक वार्तालाप ये उद्देश्यपूर्ण संरचनात्मक समूह वार्तालाप है, जो संपूर्ण कक्षा में दी गई रिपोर्ट का आधार होता है, पूरी कक्षा के लिए होता है। हमने देखा बस में और संरचनात्मक में, हमने इनका छोटे समूहों में इनका विभाजन किया था, लेकिन ये जो हमारे सार्थक वार्तालाप है इसमें कहते हैं कि पूरी कक्षा इसमें अहम भागीदारी होती है। उसके अंदर इसमें सभी कक्षा, संपूर्ण कक्षा का इसमें अपना एक योगदान होता है, इसीलिए इस सार्थक और सामान्य वार्तालाप को थोड़ा हम बड़ा करते हैं। तो इसी में हमने देखा कि सामान्य वार्तालाप में या सार्थक वातावरण में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए, उसके अंदर उनका समावेश होना चाहिए, या हम कहें कि हमारी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उसके अंदर, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। साथ में फिर हम वार्तालाप नीति की लिमिटेशन, यानी कि उनकी कौन सी सीमाएं यानी कमी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में वार्तालाप नीति में हमें क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए कि हम उसमें सुधार कर सके, अर्थात उसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत करेंगे। तो ये है आज की हमारी वीडियो का, हम जो पढ़ाने जा रही हूँ मैं उस टॉपिक का वर्णन। तो अब है हमारा सार्थक वार्तालाप, यानी कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें क्या विशेषताएं होती है, कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण बिंदु का समावेश होना चाहिए। सबसे पहली विशेषता है इसकी, हम कहेंगे कि संपूर्ण कक्षा के वार्तालाप पर आधारित, संपूर्ण कक्षा के वार्तालाप पर आधारित। मैंने बताया था कि जहां वज में संरचनात्मक में हम क्या करते हैं, उनका समूह बनाते हैं, संरचनात्मक में हम उनकी संरचना करते हैं, अर्थात बड़े भागों में उनको समूह का विभाजन करते हैं। लेकिन ये जो सार्थक वार्तालाप है, ये वार्तालाप हमारी संपूर्ण कक्षा के वार्तालाप पर आधारित होती है, उसमें संपूर्ण कक्षा का योगदान होता है। जैसे बज में कहा गया था कि एक समूह को बना, छोटे छोटे समूह में उनका विभाजन करते हैं, फिर उनमें से एक समूह में से एक विद्यार्थी खड़ा होके और सारी कक्षा के सामने वो बात रखता है, यानी कि पूरी कक्षा में से एक समूह को उस बात को कहने का अधिकार होता है। लेकिन जो हमारे सार्थक वार्तालाप है, इसके लिए
कहते हैं कि इसमें पूरी कक्षा का योगदान होता है, अर्थात हम कहें कि हम जो कक्षा में जाते हैं शिक्षक हमसे हमें पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, संपूर्ण बच्चों की हम जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को अध्यापक सुनते हैं। तो इसमें वही चीज है कि संपूर्ण कक्षा का इसमें योगदान होता है। सेकंड हमारा है इसमें कि सामान्य वार्तालाप की स्वतंत्रता। इसमें हमने कहा इसमें सामान्य वार्तालाप की स्वतंत्रता से मतलब कि जैसे बस वार्तालाप में और संरचनात्मक वार्तालाप की भांति समस्या पर जो हम वार्तालाप एक समूह से पहले करते थे वो संरचनात्मक वार्तालाप में भी हम ऐसा ही करते थे, लेकिन जो हमारी सार्थक वार्तालाप है इस सार्थक वार्तालाप में स्वतंत्रता होती है बोलने की, जो छात्र है उन्हें समस्या यानी कि कहते हैं ना उसमें हम समस्या पहले जो अपनी समस्याओं का छाटते हैं उस समस्या को कि हमें किस समस्या पर बोलना है, लेकिन जो हमारे सामान्य वार्तालाप है इसके लिए कहा गया है कि सामान्य वार्तालाप में हम टीचर से जहां हमारी समस्या है उसके साथ हम कुछ व्यवहारिक चीजें भी हम पूछ सकते हैं। तो इसमें हमें वार्तालाप की स्वतंत्रता होती है। प्रथम था संपूर्ण कक्षा के वार्तालाप पे आधारित, सेकंड था सामान्य वार्तालाप की स्वतंत्रता, थर्ड है हमारा वार्तालाप के बिंदु निश्चित। जो हमारी वार्तालाप करते थे हम उन वार्तालाप में हमें किन बिंदुओं का समावेश करना है, हमें क्या क्या पूछना है उसे हम निश्चित करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ हमारी समस्या नहीं हमें बिंदु यानी कि हमें किन बिंदु किन टॉपिक पर बात करनी है, जो समस्या है समस्या से रिलेटेड टॉपिक जो हमारी समस्या होती है टॉपिक हमारा प्रकरण उससे रिलेटेड हमारे महत्वपूर्ण बिंदु कि हमें उसमें से कौन कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही है, यानी कि हमारी वार्तालाप के तौर पर हमारे बिंदु निश्चित होते हैं कि हमें किस तरीके से बात करनी है हमें क्या पूछना है, ये हमारी सार्थक वार्तालाप में प्रभावित हो जाए यानी कि सार्थक वार्तालाप में निश्चित होता है, क्योंकि सार्थक वार्तालाप का मतलब है जिस वार्तालाप से कोई अर्थ निकले। अगर हम बातचीत कर रहे हैं इट मीन्स इसका हमारा कुछ ना कुछ हमारे इसका क्या निकलना चाहिए, रिजल्ट सामने आना चाहिए ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि सामान्य वार्तालाप जो हम करते हैं उसका निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें बिंदुए जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पर हमें शिक्षक से चर्चा करनी चाहिए। हम उन बिंदुओं का इसमें समावेश करते हैं कि हमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें बात करनी है। फिर आता है हमारा इसमें शिक्षक छात्रों के समक्ष सीधे लक्ष्य रखते हैं, यानी कि वो जो अपना लक्ष्य लेकर चले क्योंकि बिंदु है तो उनके लक्ष्य को तो उन्हें पूरा करना ही है, इसीलिए वो क्या करते हैं कि छात्र शिक्षक के सामने डायरेक्ट जो उनकी समस्या है समस्या मीन्स जो अपना टॉपिक है उसको सीधे लक्ष्य के रूप में टीचर के सामने रख देते हैं कि हमें इसके बारे में बताइए। तो इसके लिए कहते हैं कि सार्थक वार्तालाप में छात्र सीधे अपने लक्ष्य को शिक्षक के सामने रखते हैं। फिर आता है हमारा सभी कक्षाएं इसमें भाग लेती हैं। मैंने पहले ही बताया था कि बस में तो हम एक ग्रुप वाइज उसमें सम्मिलित करते हैं, लेकिन जो हमारे सार्थक वार्तालाप है इसमें क्या होता है सभी कक्षाएं हमारी इसमें भाग लेती हैं, पूरी कक्षा इसके अंदर भाग लेती है। और ये एक तरीके से कहते हैं कि शिक्षक के लिए क्योंकि एक चुनौती होती है संपूर्ण कक्षा का जब हमें सामना करना होता है, पूरी कक्षा में अगर हम कहें कि 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनना शिक्षक के लिए चुनौती होती है। तो यहाँ पर सामान्य वार्तालाप में वही चीज आती है कि यहाँ हमें पूरी कक्षा की बात सुननी पड़ती है, शिक्षक को संपूर्ण कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ लेकर चलना होता है। तभी हम कहते हैं कि जब शिक्षक हमें अधिगम करवाते हैं तो अधिगम करवाने के अंदर शिक्षक को क्या होता है उनके जो स्तर है यानी कि हम कहते हैं कि मानसिक योग्यता सभी छात्र की समान नहीं होती, अधिगम क्षमता सबकी समान नहीं होती, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक क्या करते हैं अपने पढ़ाने की योजना बनाते हैं। तो वही चीज यहाँ है कि जब संपूर्ण कक्षा इसमें भाग लेती है तो शिक्षक को संपूर्ण कक्षा का ही ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारी इसकी विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं कि वार्तालाप की
कौन कौन सी वार्तालाप की लिमिटेशन होती है, उसकी कमियां होती हैं, ये आज हम इस विधि की कमियां जानेंगे, लिमिटेशन जानेंगे। तो सबसे पहले आलोचना और प्रत्यालोचना से वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो जाते हैं। ये हमारी पूरी जो हमने वार्तालाप नीति है उसकी लिमिटेशन पढ़ा रही हूँ मैं, कि वार्तालाप नीति में क्या क्या दोष पाए जाते हैं, कौन कौन सी कमियां पाई जाती हैं। अब हम देखें कि वार्तालाप है जिसमें हम बातचीत करते हैं, तो बातचीत में क्या होगा कि एक दूसरे व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि हमारे सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो, पॉजिटिव, वहां पर कुछ नेगेटिव भी आते हैं, तो वो होती है हमारी आलोचना। कहते हैं कि हम जब बातचीत करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आलोचना या हम कहें प्रत्यालोचना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो हम आरोप लगाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसमें हमारी आलोचना प्रत्यालोचना दोनों इसमें सम्मिलित होती है। हम आलोचना करते भी हैं और कोई हमारी आलोचना को हमारी भी आलोचना करते हैं, यानी कि हम दूसरों की करते हैं और दूसरे हमारे श्रम के, हमारे ऊपर भी प्रत्यालोचना होती है। तो यहाँ कहते हैं कि ये सबसे बड़ी इसके अंदर कमी होती है जो हम वार्तालाप नीति है इसके अंदर, कि वार्तालाप नीति में आलोचना प्रत्यालोचना की वास्तविक उद्देश्य, जब हमारा आलोचना चलती है एक दूसरे के ऊपर, कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं या आलोचना करते हैं, उस टाइम पे अपना जो उद्देश्य होता है छात्र उससे भटक जाते हैं और उसमें कुछ और ही टॉपिक सम्मिलित हो जाता है, इसलिए हम वास्तविक उद्देश्य उसमें नष्ट हो जाते हैं। और जब आलोचना की बात आती है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम आलोचना करते बैठते हैं तो वो एक व्यक्तिगत आलोचना भी बनती चली जाती है, यानी कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वो उद्देश्य हमारा नष्ट हो जाता है और इसमें जो सार्थक हमारे उद्देश्य नहीं होते या सार्थक हमारी जो वार्तालाप नहीं होती उसका हमारा इसके अंदर समावेश हो जाता है। फिर आता है सभी छात्र संकोचवश व घबराहट या भय के कारण इसमें क्या नहीं ले पाते हैं, भाग नहीं ले पाते हैं। वार्तालाप नीति में हम कहते हैं कि सभी बच्चों को इसमें भाग लेना चाहिए क्योंकि इसके तीन प्रकार थे। बज में हमने कहा था कि समूह बनाते हैं, लेकिन समूह में भी हम पूरी कक्षा के छोटे छोटे समूह बना देते हैं और संदाजा में, और जहां सामान्य वार्तालाप की आई थी तो सामान्य वार्तालाप में हमने देखा था कि पूरी कक्षा का उसके अंदर समावेश, यानी कि पूरी कक्षा का योगदान होता है। तो इसके लिए कहते हैं कि जब हम पूरी कक्षा का इसमें योगदान होता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उससे डर जाते हैं, तो वो डर के कारण क्या करते हैं, उनके अंदर भय होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बोलने की जब बात आती है कि बच्चे को, सभी को, एक हम देखें कि जब हम बच्चों को यहाँ पर प्रार्थना स्थल पर जब हम ये कहें कि हम बच्चों का डिवाइडेशन कर दे रोल नंबर वाइज कि आज बच्चों को ये बोलना है, आज बच्चों को ये नहीं बोलना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो घबराहट यानी कि डर के कारण वो उसमें भाग ही नहीं लेते। तो वार्तालाप नीति के लिए कहते हैं कि इसके अंदर जब सभी बच्चों का समयोगदान होता है तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि बच्चे डर के कारण या संकोच जो उनके अंदर न बोलने की जो उनके अंदर होती है, कहते हैं ना कि बच्चे दोनों तरह के होते हैं, बहिर्मुखी भी और अंतर्मुखी, तो कुछ जो अंतर्मुखी होते हैं वो थोड़े संकोचित प्रवृत्ति के होते हैं, तो वही बताइए कि संकोचवश ये होता है कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका एक भय होता है कि हम नहीं कर सकते तो वो उसमें भाग नहीं लेते। फिर इसमें आयु व मानसिक स्तर के अनुरूप उपयुक्त नहीं, यहाँ वार्तालाप नीति के लिए ये कहा जाता है कि वार्तालाप नीति आयु वर्ग और मानसिक स्तर के लिए छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि जहाँ हम वार्तालाप की बात करें तो हमेशा हमने देखा है कि अगर हम किसी की बात सुनते हैं तो वो बात कब सुनते हैं हम, जब वो व्यक्ति अनुभवी हो, हमसे बड़ा हो। यहाँ छात्र की बात के लिए हम कहें तो ये छात्र के लिए अनुपयुक्त होता है, क्योंकि छात्र की जो मानसिक योग्यता, चाहे हम आयु वर्ग में देखें, आयु से अगर वो पढ़ा रहे हैं तो कई बार शिक्षक से छोटी आयु, छात्र है तो शिक्षक से छोटे होंगे, तो उनका अनुभव भी उनसे कम होगा। तो यहाँ जो चीज आती है कि आयु और मानसिक, क्योंकि जो हमारा जो मानसिक स्थिति है उसका भी हमारा कैसे बढ़ती है, हमारी जैसे जैसे हमारी आयु तो हमारा मानसिक स्तर बढ़ता है, तो इसने कहा कि आयु और मानसिक स्तर के अनुरूप इसमें उपयुक्त तो नहीं होता है। क्या वार्तालाप नीति, वार्तालाप नीति छात्र की आयु और मानसिक स्तर के लिए भी छात्रों के लिए ये उपयुक्त नहीं होती है। फिर है हमारी ईर्ष्या की भावना जागृत करना, इसके लिए कहते हैं कि इसके अंदर छात्र
छात्रों में ईर्ष्या और स्पर्धा की भावना जो आपस में एक तरीके से टकराव पैदा कर देती है, इन भावनाओं का इसमें समावेश हो जाता है। एक दूसरे से हम कहते हैं कि जहां यह हम स्पर्धा कर देंगे, हम एक दूसरे से आगे जाने की होड़ मच जाती है हमें, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम लगातार आगे बढ़ने की होड़ है वो हमारी ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि वार्तालाप नीति में ईर्ष्या की भावना भी जागृत हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वार्तालाप नीति को हमें किस तरह से सफल बनाना है, इसे सफल बनाने के लिए कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण सुझाव हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि हमें कौन कौन से सुझावों का इसमें समावेश करना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, लक्ष्य को स्पष्ट रखेंगे। जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो हमें सबसे पहले स्पष्ट रखने चाहिए कि हमें कौन सा हमारा लक्ष्य है, यानी कि लक्ष्य की स्पष्टता। हमें लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट रखना है कि हमें इस लक्ष्य पर चलना है। दूसरा हम देखते हैं इसमें कि रचनात्मक व सार्थक आलोचना को बढ़ावा दिया जाए। रचनात्मक व सार्थक, यानी कि जिससे हमारा कुछ अर्थ निकले, सार्थक आलोचना को बढ़ावा, यानी कि इस चीज को हमें बढ़ावा देना चाहिए। हम फालतू के हम आरोप और प्रत्यारोपण करें, उससे अच्छा है कि जिसका कोई अर्थ निकले, जिसकी कुछ अर्थ निकले उसकी हमें आलोचना। कहते हैं ना कि जब हमारे कार्य में अगर परिवर्तन है और कार्य को हमें विकसित कर रहा है, उस कमी को हमें जरूर निकालनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें, कई बार कहते हैं हमारे कार्यों में हमें सुधार करना होता है तो आलोचना जरूरी होती है, क्योंकि जब तक हमें हमारी कमी के बारे में नहीं पता चलेगा तो हम उस कमी में हमारा सुधार नहीं कर सकते। तो हमें अगर सार्थक परिणाम लेना है जिसका कुछ अर्थ निकले, तो हमें उस आलोचना का क्या करना चाहिए, उस आलोचना को बढ़ावा देना चाहिए कि हमें इससे कौन कौन सा हमें जो हमारे लाभ होता है वो किस चीज का लाभ होता है। फिर थर्ड आता है हमारा, शिक्षक को वाद विवाद में अपना प्रभुत्व नहीं जमाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, छात्रों की अनुक्रिया अधिक नहीं होती। यानी कि शिक्षक को वाद विवाद में स्वयं का प्रभुत्व नहीं जमाना चाहिए, क्योंकि छात्र की अनुक्रिया रुक जाती है। इससे छात्र की, यानी कि छात्र जो करता है उसकी अनुक्रिया इसमें रुक जाती है। अगर हम देखते हैं कई बार बच्चा करने की कोशिश करता है लेकिन छात्र के, शिक्षक के डर के कारण नहीं कर पाते। अगर शिक्षक हमें बार बार में टोका टोकी करेंगे, बच्चे अगर कुछ डिस्कस करते हैं तो अगर वो सही दिशा में उनका डिस्कस जा रहा है तो हमें कभी भी शिक्षक को उन्हें नहीं टोकना चाहिए, क्योंकि उस चीज को अगर हमें आगे बढ़ाना है, यानी छात्र के अंदर जो गुण है वो किस क्रिया के द्वारा निकल रहा है, वाद विवाद के लिए। अगर शिक्षक ने प्रभुत्व जमाया, उसे रोका, तो क्या होगा कि जो अनुक्रिया छात्र करना चाह रहा है उस अनुक्रिया को वो रोक देगा, चाहे वो डर के कारण हो या अपने संकोच के कारण। वो जो अपनी उस कार्य के प्रति जो क्रिया करना चाहेगा उस क्रिया के लिए करते हुए वो रुक जाएगा। ये है हमारे लिए सुझाव कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो हमारी छोटी छोटी चीजें होती हैं ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। फिर आता है हमारा इसका फोर्थ पॉइंट है हमारा, कि समस्या की पहचान, विश्लेषण व समस्या समाधान करने के लिए हमें विधि प्रयुक्त करनी चाहिए। यानी समस्या की पहचान विश्लेषण करने के लिए विधि प्रयुक्त करनी चाहिए। यानी कि हमें विधि का प्रयोग करना चाहिए, किस विधि के द्वारा हम उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, हमें उस मेथड को, उस टेक्निक को उसके लिए अपनानी चाहिए, उन विधि का उसमें प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं बिना विधि के जब तक हम कार्य करेंगे तो वो कार्य हमारा प्रभावी नहीं होता। तो जब हम समस्या का चयन कर रहे हैं, उस समस्या को पहचान रहे हैं, तो उसके साथ साथ कौन सी विधि
ही काम आएगी, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। जब उस समस्या को हम पहचानते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं तो साथ साथ हमें उसकी विधि का भी, हमें कौन सी विधि इसमें प्रयुक्त होगी इसके लिए भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या होता है, छात्र अपने समूह का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्र को अपने समूह का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि किस तरीके से उसे आगे हम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम उसमें प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है इस चीज के बारे में। फिर आता है हमारे शिक्षक का ज्ञान क्या होना चाहिए, स्पष्ट गहरा होना चाहिए जिससे सक्रिय नियंत्रण कार्य कर सके। यानी कि शिक्षक का ज्ञान कैसा होना चाहिए, शिक्षक के ज्ञान के लिए कहते हैं स्पष्ट और गहरा। शिक्षक का ज्ञान स्पष्ट व गहरा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। ये हमारी वार्तालाप नीति के सुझाव थे कि हमें इन बिंदुओं को इसके अंदर हमें इसका समावेश करना चाहिए। और देखिए हम इसमें तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो कमजोर वर्ग के बालक हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, वज्र सत्र का हम प्रयोग करते हैं उसमें हम विशेष स्वरूप सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि वज ऐसा होता है जिसमें अगर हम देखें ग्रुपों का डिवाइडेशन कर सकते हैं, तो हम ग्रुप कैसे विभाजन कर सकते हैं, ग्रुप का हम उसमें ये देखते हैं इंटेलिजेंट और जो कमजोर और मीडियम, तीनों वर्ग के बच्चों का हमें, यानी कि तीनों का उस ग्रुप में समावेश होना चाहिए। अगर वो ग्रुप जीतता है तो जो कमजोर बच्चा है उसमें भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लगेगा कि मेरा ग्रुप जीता, यानी कि उससे उसके अंदर जो प्रोत्साहन की भावना है उसका जागृत होगा और इससे वो अपने अंदर और ज्यादा कार्य करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए कहते हैं कि अगर छात्र की किसी कमजोर वर्ग के छात्र है उन्हें हमें अगर कमजोरी को दूर करना है तो इसके लिए हमें बस जो हमारा बस नीति थी इसमें हम बस वार्तालाप नीति उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों जो आज की हमारी वीडियो थी वो आज हमारी जो हमारी नीतियाँ थी विधि थी मैंने उनके बारे में पूरा वर्णन कर दिया। लास्ट में आपकी लास्ट वीडियो में था पूछताछ प्रशिक्षण और इसमें थी हमारी वार्तालाप सेकंड में, और इस वार्तालाप में मैंने सार्थक वार्तालाप और जो हमारी वार्तालाप नीति है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं और उसके अंदर हम कौन कौन से इनके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं इसके सुझाव प्रस्तुत किए। तो ये हमारी वीडियो थी, धन्यवाद।